बुलंदशहर स्वाट टीम और शिकारपुर कोतवाली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शिकारपुर नगर में व्यापारी से 14 फरवरी को हुई थी 1,75,000 रुपए की लूट, जिसका एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने किया है खुलासा। शिकारपुर पुलिस और स्वाट टीम ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, 34,500 रुपए भी बरामद किए। शिकारपुर नगर के व्यापारियों ने लूट का खुलासा होने पर एसएसपी सहित स्वाट टीम और शिकारपुर कोतवाली पुलिस को धन्यवाद और सम्मानित किया। क्या कहना है संतोष कुमार सिंह एसएसपी व डीआईजी बुलंदशहर का, सुनिए। माल बरामद हुआ है और कितने गिरफ्तार किए? देखिए, 14/2/22 को शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट जितेंद्र शर्मा, जो गाजियाबाद के एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट हैं, इनके द्वारा कैश की वसूली करने के बाद ई रिक्शा पे बैठ के जा रहे थे। एक व्यक्ति ने जो है ई रिक्शा रुकवा करके बगल में बैठ गया, रास्ते में उनका थैला लूटकर मोटरसाइकिल से उसके जहां साथी इंतजार कर रहे थे उनके साथ भागने में सफल हो गया। तब से लगातार शिकारपुर की पुलिस और हमारी स्वाट टीम लगातार प्रयास कर रही थी। तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्वाट टीम के द्वारा इस अभियोग का अनावरण करके अपराधियों को चिन्हित किया गया और उन अपराधियों को बीती रात गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 5 है, जिनमें से 4 शिकारपुर थाना क्षेत्र के हैं और 1 पहासू का रहने वाला है। उल्लेखनीय यह है कि इसका जो सूत्रधार है वो बगल की दुकान पर काम करने वाला नौकर है, जिसके द्वारा सुरागरसी की गई। 2 अन्य भी इस प्रकरण में लगे हुए थे, जो सूचनाएं दे रहे थे कि कहाँ से निकल रहा है। 2 लोग लूट के इरादे से अलग लगे हुए थे। तो इस तरह इनके कब्जे से कुल 1,75,000 रुपये की लूट हुई थी और इनके कब्जे से दोनों मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त हैं वो बरामद की गई हैं और साथ ही नाजायज असलहे कारतूस आदि बरामद किया गया है। 11,500 रुपये मूल्य का इनके द्वारा मोबाइल फोन खरीदा गया था, वो बरामद किया गया है और लगभग 34,500 रुपए की धनराशि जो लूट की थी वो इनके कब्जे से बरामद हुई है। शेष धन इनके द्वारा खर्च कर लिया गया है। जो अब तक जानकारी मिली है पूछताछ से, ये इनके द्वारा पहला अपराध करना बताया जा रहा है। फिर भी हम गहराई से इनके बारे में और छानबीन कर रहे हैं। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।